This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. हर कोई अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देना चाहता है, उसे कामयाब बनाना चाहता है, लेकिन अलग अलग माहौल में पलने वाले बच्चों का रहन सहन, बोल चाल, व्यवहार आदि अलग अलग हो जाता है। बच्चे गलतियाँ भी करते हैं तो माँ बाप या स्कूल में टीचर प्यार से डांट फटकार कर उन गलतियों को सुधारते हैं, तभी बच्चा भी सही गलत के फर्क को समझ पाता है। लेकिन अगर बच्चे को उसकी गलती का एहसास ही ना कराया जाए तो क्या होगा? माँ बाप द्वारा बच्चे की गलती को नज़रअंदाज करना घातक हो सकता है। कुछ ऐसा ही संदेश देती है आज की हमारी कहानी, जहाँ बच्चे की पहली गलती को माँ बाप ने उसकी नादानी समझकर नज़रअंदाज कर दिया। ये एक गलती उसकी पूरी जिंदगी के लिए अभिशाप बन गई। महज 7-8 साल की उम्र में वो बच्चा नादानी में जुर्म करता चला गया, जिससे दुनिया का एक अनोखा रिकॉर्ड उसके नाम दर्ज हो गया, दुनिया का सबसे छोटा या कम उम्र का सीरियल किलर। आज की कहानी है बिहार के बेगूसराय से। बेगूसराय जिले के भगवानपुर में स्थित बसहरी गांव में एक गरीब परिवार रहता था। पिता दिहाड़ी मजदूर थे। परिवार में पति पत्नी, बेटा और एक छोटी बेटी थी। बच्चों के चाचा चाची भी पास ही रहते थे। परिवार के बेटे का नाम अमरजीत सदा था। इसका जन्म 1998 में हुआ था। अमरजीत परिवार में अपनी जनरेशन का पहला बड़ा बेटा था, इसलिए उसे प्यार भी खूब मिलता था। चाचा चाची भी उसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उस गरीब परिवार में प्यार के सिवाय कुछ और देने के लिए था ही नहीं। अमरजीत बड़ा हो रहा था। उस गरीबी में उसके पास खेलने के लिए ना तो खिलौने थे, ना ही ज़्यादा दोस्त। वो घर के आसपास ही घूमता रहता। अकेलेपन की वजह से 3-4 साल की उम्र में वो बहुत चुपचाप और गंभीर रहने लगा था। परिवार को लगा कि गंभीर स्वभाव का अमरदीप फालतू उछल कूद नहीं करता है, इसलिए शायद आगे चलकर पढ़ाई में वो अच्छा करेगा। समय यूं ही बीतता गया। अमरदीप अब 7 साल का हो चुका था। इस बीच उसके चाचा के घर भी एक बेटा पैदा हो चुका था, जो अब 8 महीने का था। 2006 में एक दिन अमरजीत के पिता और चाचा मजदूरी के लिए घर से बाहर थे। माँ और चाची घर के काम में लगी थी और अमरजीत घर के बाहर खेल रहा था। चाची का 8 महीने का बेटा लगातार रो रहा था। उसकी माँ भी घर के काम निपटाने में लगी थी, इसलिए वो उसे चुप नहीं करा पा रही थी। काफ़ी देर रोने के बाद बच्चे के रोने की आवाज़ बंद हो गई। माँ को लगा कि शायद रोते रोते थक कर वो सो गया होगा। काम से निपटने के बाद वो बच्चे को देखने गई तो बच्चा अपनी जगह पर नहीं था। हर जगह ढूंढा पर वो नहीं मिला। दोपहर में अमरजीत के पिता व चाचा भी वापस आने पर बच्चे को ढूंढते हैं। तब घर से कुछ दूरी पर 8 महीने के बच्चे की लाश मिलती है। बच्चे के सिर व शरीर पर जख्म के निशान थे। उस पर किसी वजनी चीज़ से वार किए गए थे। बच्चे की बॉडी पूरी तरह से लहूलुहान थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने छोटे बच्चे के साथ ये सब किसने किया। तब उनका ध्यान अमरजीत की तरफ जाता है। उसके हाथों और शरीर पर कुछ ऐसे निशान दिखते हैं जिससे सबको अमरजीत पर शक होता है कि इस सब से उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है। लेकिन बच्चा मर चुका था, अब कुछ नहीं हो सकता था। शायद यही सोचकर पूरा परिवार इस बात को दबा देता है। ना कोई पुलिस कंप्लेंट होती है। अमरजीत का भी बचपना समझकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उन्हें एहसास नहीं था कि उनकी ये गलती कितनी भारी पड़ने वाली है। अब तक अमरजीत की एक छोटी बहन भी घर में पैदा हो चुकी थी। इस घटना को 6 महीने बीत जाते हैं और लगभग 6 महीने के बाद अमरजीत की बहन अपने ही घर में मरी हुई मिलती है। उसके सिर पर भी गहरी चोट थी, शरीर पर भी गहरे जख्मों के निशान थे। उसे भी पत्थर जैसी किसी भारी चीज़ से मारा गया था। अब घर वालों को भी अंदाज़ा हो चला था कि ये सब अमरजीत ने ही किया होगा, क्योंकि फिर से उसके हाथों पर वही निशान थे। जब भी उससे कुछ पूछा जाता तो वो सिर्फ मुस्कुराता था। उसे घर में ही थोड़ी पिटाई और डांट कर छोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि परिवार वालों को डर था कि उन्होंने बेटी को तो खो दिया है, अगर ये बात पुलिस तक पहुँची तो उनका बेटा अमरजीत भी उनके हाथ से चला जाएगा। इसीलिए ये लोग एक बार फिर इस बात को घर में ही दबा देते हैं। गांव वाले भी इस परिवार में बच्चों के मरने की खबर से हैरान थे, पर घर वालों ने इसे दुर्घटनावश हुई मौत ही बताया। वैसे भी घर में किसी ने अमरजीत को हत्या करते हुए नहीं देखा था। यह उनका अंदाज़ा ही था, जिसकी वजह अमरजीत का अजीब व्यवहार भी था
अमरजीत 6 महीने में 2 कत्ल कर चुका था और किसी को कानों कान खबर नहीं थी। घर वाले यूं ही चुपचाप अपनी रूटीन जिंदगी में जिए जा रहे थे। इसके भी 3 महीने बाद 2007 में ऐसी ही एक और घटना घटी। इसी गांव में एक महिला अपनी 1.5 साल की बेटी खुशबू के साथ थी। गांव के ही प्राइमरी स्कूल के आंगन में के माँ बेटी सो रहे थे। माँ को घर में कुछ काम याद आता है तो वो बेटी को वहीं सोता छोड़कर घर चली जाती है। स्कूल से कुछ दूरी पर ही उसका घर था। घर की तरफ आते हुए स्कूल के ही पास उसे अमरजीत दिखता है। वो अकेला खेल रहा था। घर पहुंचकर महिला काम में बिजी हो जाती है। काम निपटाकर वो वापस स्कूल के आंगन की तरफ लौटती है तो हैरान रह जाती है, बच्ची वहाँ नहीं थी। घबराई माँ इधर उधर बच्ची को ढूंढती है पर वो कहीं नहीं मिलती। वो घर की तरफ भागती है। रास्ते में उसे अमरजीत बैठा मिलता है। वो उससे बच्ची के बारे में पूछती है तो वो सिर्फ हंसता रहता है। परेशान माँ घर पहुंचकर घर वालों पड़ोसियों सबको बताती है। अब सब मिलकर ढूंढते हैं लेकिन खुशबू का कहीं अता पता नहीं चलता। सब मिलकर पुलिस स्टेशन में खुशबू की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं। घर वाले बार बार पुलिस से कहते हैं कि माँ ने अमरजीत को स्कूल के पास देखा था, उसी ने कुछ किया है। दरअसल अमरजीत के परिवार में हुई 2 मौतों की खबर तो गांव वालों को थी ही, जिसकी वजह कभी क्लियर नहीं हो सकी। इसीलिए खुशबू के माँ बाप बार बार पुलिस वालों को अमरजीत से पूछताछ करने को कह रहे थे। अब पुलिस वाले भी परेशान थे कि एक छोटे से बच्चे से वो क्या पूछताछ करें। लेकिन माँ के बार बार कहने पर अमरजीत को बुलाया जाता है। पहली बार पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि क्या तुमने खुशबू को देखा है, क्या उसे पता है खुशबू कहाँ है। तब अमरजीत सिर्फ मुस्कुराना शुरू करता है और हंसता है। पुलिस वाले फिर उससे पूछते हैं, वो तब भी हंसता रहता है। अब छोटे बच्चे से पुलिस ज़्यादा सख्ती नहीं कर सकती थी, पर अमरजीत का इस तरह हंसना बहुत अजीब था। कुछ देर हंसने के बाद अमरजीत कहता है कि मुझे बिस्कुट दो तो मैं बताऊँगा। पुलिस वाले समझ नहीं पा रहे थे कि सच में अमरजीत को कुछ पता भी है या यूं ही वो बचपना कर रहा है और बिस्कुट मांग रहा है। हाँ, इतना उन्हें यकीन था कि इस बच्चे में पुलिस का, इतनी भीड़ का जो उसे घेर कर खड़ी है, किसी का डर नहीं था। गांव से पाले जी का एक पैकेट मंगवाया जाता है। अमरजीत बड़ी खुशी से बिस्कुट खाता है। 2-3 बिस्कुट खाने के बाद पुलिस वाले फिर पूछते हैं, अब तो बता कहाँ है खुशबू। बिस्कुट खाते खाते अमरजीत कहता है, मैंने खपड़ा मारकर उसे सुला दिया। पुलिस वालों को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने पूछा, कहाँ? तो अमरजीत ने गर्दन से इशारा करते हुए कहा, वहाँ। तब पुलिस वाले ने कहा, हमें दिखाओगे नहीं? अब इतनी देर में बिस्कुट का पैकेट ख़त्म हो चुका था। अमरजीत ने कहा कि और बिस्कुट दो तो दिखाऊंगा। अब फटाफट एक पैकेट बिस्कुट और मंगवाया गया और अमरजीत को दिया गया। पुलिस वाले ने फिर पूछा, अब तो बताओ। अमरजीत पैकेट खोलकर बिस्कुट खाते हुए उठता है और कहता है कि चलो दिखाता हूँ। अब अमरजीत आगे आगे और पुलिस पीछे पीछे। उसी प्राइमरी स्कूल के खेत में कुछ झाड़ियों के पास वो पहुँचता है और वहाँ रखे कुछ खरपतवार को हटाता है। खरपतवार हटते ही पुलिस और गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। वहाँ 1 साल की खुशबू की लाश पड़ी थी। खुशबू के सिर और बॉडी पर भी उसी तरह खपड़े से वार के निशान थे। पुलिस हैरान थी कि 7-8 साल का बच्चा न सिर्फ कत्ल की बात कबूल कर रहा है बल्कि एक क्रिमिनल की तरह उसने लाश को छुपाया भी है। अब बिना किसी डर के हंसते मुस्कुराते वो लाश की बरामदगी भी करवा रहा है। इसके बाद गांव वाले पुलिस को बताते हैं कि अमरजीत की सगी बहन और चाचा के बेटे का शव भी इसी हालत में मिला था। पुलिस अमरजीत से पूछती है कि तुमने और किस किस को सुलाया है। तब अमरजीत अपनी बहन और कज़न भाई का नाम लेकर कहता है कि उन दोनों को भी हमने ऐसे ही सुलाया है। जब अमरजीत के माँ बाप से इस बारे में पूछा जाता है तो पहले वो साफ मुकर जाते हैं कि उनकी बेटी झूले से गिरकर मर गई थी। पुलिस थोड़ी सख्ती दिखाती है तो वो कबूल करते हैं कि उनके परिवार में हुए 2 बच्चों की मौत नेचुरल नहीं थी। उनका शक भी अमरजीत पर ही था। पुलिस उन्हें बुरी तरह डांटती है कि उनकी इस बेवकूफ़ी से एक और बच्चे की जान चली गई। अगर वो पहले ही इसकी सूचना पुलिस को दे देते तो शायद खुशबू की जान बच सकती थी। जब अमरजीत से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, क्यों मारकर सुलाया, तो वो बोला कि चाचा का बेटा बहुत रो रहा था, उसे चुप कराने के लिए खपड़े से मारा। पर उसकी बहन और खुशबू तो सो रहे थे, उन्हें क्यों मारा? ऐसा पूछने पर अमरजीत कहता है कि उसे मज़ा आता है। मारने के बाद वो तड़पते हैं, खून निकलता है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है।
पुलिस उसकी बातें सुनकर हैरान थी। महज 7-8 साल के कातिल बच्चे के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, ये पुलिस वालों की समझ से बाहर था। पर उन्हें ये समझ आ गया था कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है। भगवानपुर के थाना इंचार्ज शत्रुघ्न कुमार का कहना था कि जिंदगी में पहली बार उनका पाला ऐसे बच्चे से पड़ा है जो बहुत कॉन्फिडेंट है। इसे वर्दी का डर नहीं, डांटने का भी उस पर कोई असर नहीं होता। भीम कत्ल करने का उसे ना तो गम है ना ही कोई पश्चाताप। पटना से मेडिकल टीम बुलाई जाती है, अमरजीत के कई टेस्ट किए जाते हैं, दिल्ली के एम्स से भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम बुलाई जाती है। जांच के बाद डॉक्टर्स इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि अमरजीत एक मानसिक विकार से पीड़ित है। मेडिकल टर्म के हिसाब से वो एक सैडिस्ट है, ऐसा इंसान जिसे दूसरों को दर्द देने में, उन्हें तड़पाने में मज़ा आता है। ऐसा बच्चा क्योंकि बड़ों को तकलीफ़ नहीं दे सकता, इसलिए अपने से छोटे बच्चों को प्रताड़ित करके उन्हें पीड़ा में देखकर ही उसे आनंद मिलता है। इस तरह के आनंद की प्राप्ति के लिए वो हिंसक भी हो जाता है। लेकिन साइकाइट्रिस्ट का ये भी कहना था कि अमरजीत को अच्छे बुरे सही गलत की पहचान ही नहीं है। वो कोई जुर्म कर रहा है जिसकी सज़ा हो सकती है, वो ये सब समझने में नाकाबिल है। उनके अनुसार ये एक तरह का केमिकल इम्बैलेंस है जिसे मेडिटेशन और काउंसलिंग से ठीक किया जा सकता है। कोर्ट में इस केस की सुनवाई के दौरान भी ये माना गया कि हत्या के वक्त बच्चे को सही गलत का अंदाज़ा नहीं था। जुवेनाइल कोर्ट में भी किसी नाबालिग को 3 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं होती है। 3 साल रिमांड होम में उसे बड़े बच्चों के साथ कैसे रखा जाए, डर था कि कहीं ये वहाँ रहकर और भी हिंसक ना हो जाए। जब ये यहाँ से बाहर जाएगा तो समाज का इसके प्रति क्या नज़रिया होगा, क्या ये एक सामान्य ज़िंदगी जी पाएगा, इन सब बातों का ख्याल रखा गया। कोर्ट के आदेश पर इस बच्चे को रिमांड होम में एक अलग कमरे में रखने की व्यवस्था की गई। रिमांड होम के बाद जब ये बच्चा समाज में जाएगा तो न जाने कितनी और वारदातों को अंजाम देगा, इसका डर सभी को था। अब अमरजीत का गुनाह साबित हुआ या नहीं, उसे क्या सज़ा हुई, किस जेल में रखा गया, ऐसी कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। एक खबर के अनुसार अमरजीत को 18 साल की उम्र तक निगरानी में रखने का आदेश था। तब तक उसका मानसिक इलाज होना था, उसकी लगातार काउंसलिंग की जानी थी ताकि बचपन के उस विकार से वो मुक्त हो सके। कहा जाता है कि 2015 तक डॉक्टर्स की विशेष निगरानी में उसे दुनिया की नज़रों से दूर रखा गया, उसका दिमागी इलाज चला और लगातार काउंसलिंग की गई। यहाँ उसे 18 साल की उम्र तक रहना था। पॉसिबल है कि 2016 में उसके 18वें जन्मदिन पर उसे रिहा कर दिया गया होगा। एक खबर ये भी है कि अमरजीत को एक नई पहचान, एक अलग आइडेंटिटी के साथ रीस्टैब्लिश किया गया। आज वो कहाँ है, क्या करता है, कैसा दिखता है, ये सारी जानकारी बिहार सरकार द्वारा गुप्त रखी गई है ताकि अमरजीत अपनी नई पहचान के साथ एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सके। अमरदीप के इस केस को मीडिया में भी काफ़ी चर्चा मिली, यहाँ तक कि दुनिया भर में अमरजीत सुर्खियों में आया था। दुनिया के सबसे कम उम्र का सीरियल किलर, ये रिकॉर्ड भी उसके नाम हुआ। अब ये कोई अचीवमेंट तो नहीं थी, बल्कि एक काला धब्बा था जिसने अमरजीत की ज़िंदगी ही बदल कर रख दी। सही समय पर बच्चों को सही गलत की समझ देना माँ बाप की जिम्मेदारी है। बच्चों की गलतियों को नज़रअंदाज करना या छुपाना कितना भारी पड़ सकता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अमरजीत सदा की ये कहानी बच्चों, माँ बाप और समाज सबके लिए एक सबक है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।